वॉकिंग वॉन्डरर के सभी व्यूअर्स का स्वागत है हमारी वीडियो सीरीज अनएक्सप्लोर्ड हिमाचल प्रदेश में। इस वीडियो सीरीज में हम आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश की कुछ ऑफबीट हिडन और बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस के सफर पर, और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इन जगहों को कैसे बेस्ट वे में एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की सिराज वैली, जहां पर लोकेटेड है बाहू विलेज और बालूनाग टेंपल, जो कि एक रिलीजियस इंपॉर्टेंट लोकेशन होने के साथ साथ घूमने के लिए भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की बंजार वैली, यहां पर लोकेटेड है बाहू गांव और बाहू लेक, और यहां से कुछ मिनट की एक शॉर्ट हाइक करने के बाद आप पहुंच जाते हैं बहुत ही अमेजिंग लोकेशन बालूनाग टेम्पल। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस रीजन की लोकेशन के बारे में और आप यहां पर कैसे पहुंच सकते हैं। तो बाहू और बालूनाग टेंपल आने के लिए आपको सबसे पहले जीभी पहुंचना होगा, और जीभी पहुंचने के लिए आपको दिल्ली मनाली हाईवे पर और टनल से एक डायवर्जन लेना होगा और प्रोसीड करना होगा जलोड़ी पास वाले रास्ते पर। जीभी पहुंचने के बाद आपको एक डायवर्जन लेना होगा और इस रोड पर लगभग 8 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद आप पहुंच जाएंगे बाहू लेक। जीभी से बाहू का एक छोटा सा सफर है, तो एक छोटा सफर, मगर आपको इसमें नेचुरल ब्यूटी की भरमार देखने को मिलेगी और साथ ही आपको देखने को मिलेगा एक ग्लिम्प्स बंजार वैली की ट्रेडिशन और यहाँ के कल्चर का। बाहू विलेज में बाहू लेक तक आप अपनी गाड़ी में आ सकते हैं, और अपनी गाड़ी आपको बाहू लेक के पास ही पार्क करके उसके आगे ट्रैक करना होगा। अपने सामने आप जो खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं वो बाहू लेक है। बाहू लेक घिरी हुई है देवदार के पेड़ों से, एक खूबसूरत लोकेशन होने के साथ साथ बाहू लेक एक अमेजिंग सनसेट पॉइंट भी है। वैसे तो जीभी भी एक ऑफबीट लोकेशन है, मगर आप जीभी से भी ज़्यादा अगर ऑफबीट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं नेचुरल रॉ ब्यूटी, तो आप बाहू विलेज जा सकते हैं। अगर आप वॉकिंग वॉन्डरर की हॉस्पिटैलिटी इंजॉय करना चाहते हैं और पहाड़ी कल्चर का एक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो स्टे ऑप्शंस के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाहू विलेज और बाहू लेक को देखने के बाद अगली लोकेशन जो आप विजिट कर सकते हैं वो है बालूनाग टेंपल, और बालूनाग टेंपल पहुंचने के लिए आपको बाहू लेक से ही ट्रैक करना होगा। बाहू से बालूनाग टेंपल तक का ट्रैक एक डिफिकल्ट ट्रैक नहीं है, बल्कि एक शॉर्ट हाइक है जिसे आप एक घंटे के टाइम में इजिली पूरा कर लेंगे। बाहू से बालूनाग टेंपल तक का सारा रास्ता देवदार फॉरेस्ट के बीच से होकर गुजरता है, और यहाँ की फ्रेश एयर और हेवनली नज़ारे आपकी बॉडी ही नहीं आपके माइंड को भी रिलैक्स कर देंगे। रास्ते में आपको कुछ एक लोकल कैफेज भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं। तो इस बहुत ही रिफ्रेशिंग फॉरेस्ट हाइक के बाद हम पहुंच जाते हैं और भी ज्यादा खूबसूरत लोकेशन बालूनाग टेंपल। बालूनाग टेंपल और इसके आसपास की लोकेशन इतनी सीरीन और प्योर है कि जब भी आप यहां पर आएंगे तो आपको ब्लेस्ड फील होगा कि आपको ऐसी जगह देखने का मौका मिला।
पूरे कुल्लू वैली के लोगों की बालूनाग देवता जी में बहुत श्रद्धा है और यहाँ पर पूरे साल भर में बहुत से त्यौहार भी मनाए जाते हैं जिसमें लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करते हैं। और आप भी जब यहाँ पर आएँ तो कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे आप यहाँ के लोकल्स के सेंटीमेंट्स को हर्ट करें। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसे और एक्सप्लोर करने का आपका मन ज़रूर करेगा। तो आप फॉरेस्ट में थोड़ा और हाइक करके जा सकते हैं जहाँ पे आपको एक और टेंपल देखने को मिलेगा जिसका नाम है बीरनाथ टेंपल। बीरनाथ टेंपल को क्रॉस करने के बाद जब आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो आपको एक और टेंपल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर एक सेंट्रल पेड़ है जिसके आसपास लोगों ने अपनी मान्यता के हिसाब से बहुत सी लोहे की चीज़ें रखी होती हैं। लोकेशन में अगर आप समर्स में भी आएंगे तो आपको बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं होगा और यहाँ का मौसम बहुत ही प्लेजेंट होता है और सर्दियों में यहाँ पर काफी बर्फ भी पड़ती है। अगर आप इस जगह पर घूमने आते हैं तो एक चीज का ध्यान जरूर रखें, यहाँ पर बिल्कुल भी वेस्ट ना फैलाएं क्योंकि ये जगह आज जितनी सुंदर है ये हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उतनी ही सुंदर रहनी चाहिए। तो ये हमारी इस वीडियो का एंड है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।